नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूं आपकी वही अंजलि। हकीकत कहो तो उन्हें खाब लगता है, शिकवा करो तो उन्हें मजाक लगता है। कितनी शिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, और एक वो हैं जिन्हें ये सब मजाक लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करें, इस दुनिया की हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसे देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। आपको भी अगर निखरना है तो पहले मुसीबतों का डटकर सामना करो, और मुसीबत को ये बताओ कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम नहीं। बेचैन दिल को और बेचैन ना कर, इश्क करना है तो कर, एहसान ना कर। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और इसे आसान करने के लिए इसे समझना पड़ता है। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी के साथ लड़कर इसे बदलना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। बाप अमीर हो या गरीब हो, औलाद के लिए एक बाप बादशाह होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए लकी कलर रहने वाला है जामुनी, और शुभ अंक यानी कि लकी नंबर रहेगा नंबर 7। आज का जो दिन है वो आपके लिए आर्थिक हानि की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, धन से रिलेटेड मामलों में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको काफी हद तक सोच विचार कर लेना चाहिए, बेटर रहेगा। आपको जो है उधार पैसा लेना और देना नहीं चाहिए, दोनों के मामलों से बचना होगा। अगर आप वित्तीय मामलों में लापरवाही रखेंगे तो संभवतः आज आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही में कुछ लोगों से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर आप काम करते हैं या जॉब करते हैं। इस कारण जो है आज आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आज आपके कई राज भी उजागर हो सकते हैं, जिसका जो फायदा है कोई तीसरा व्यक्ति या फिर आपका कोई शत्रु जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, और वो इस फायदे का जो है नज़ायज़ फ़ायदा उठाएगा, जिससे आपको जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज आपको विशेष रूप से बच कर रहना होगा। आज कुछ अनजान लोगों के साथ भी आपको संपर्क स्थापित होंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड कोई योजनाएं बना रहे हैं तो उस पर अपना ध्यान ज़रूर फोकस कीजिएगा। दोस्तों के साथ समय स्पेंड कीजिए, ज़रूर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि आज फिजूल समय नष्ट मत कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने, वरना आपको नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी केस से रिलेटेड किसी भी मामले में लापरवाही मत बरतिए। किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। आज कोई फैसला लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कहीं से आपको अच्छी सलाह भी मिल सकती है। शाम तक जो है आपका काफ़ी हद तक सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होती नज़र आ रही हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रचनात्मक भी रहेगा। आपके साथ ही आपकी समस्या को सुलझाने में जो है आपकी पूरी पूरी मदद भी करेंगे, और आपके कौशल की तारीफ भी करेंगे। आपके समस्याओं के साथ डील करने का तरीका काफ़ी प्रशंसनीय हो सकता है। आपको अपने ईगो से बचना होगा, कुछ समय खुद के लिए निकालें, खुद के लिए काम करें, और आपको मानसिक शांति से ज़रूर मिलेगी और प्रोत्साहन भी देगी। इसलिए खुद के लिए हमेशा समय निकालते रहिएगा। अपने शौक को जिंदा रखने के लिए ये एक आवश्यक कदम रहेगा आपके लिए, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। आज आपकी राशि के जातक अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। आज के दिन इस समय जो है भाग्य भी उनको सहयोग कर रहा है। इन ग्रहों की स्थितियों का सदुपयोग जरूर करें। कई पारिवारिक धार्मिक कृत्य संबंधी योजनाएं भी बन सकती है। किसी का फंक्शन पर जाना हो सकता है, कोई धर्म से रिलेटेड आध्यात्मिक जो फंक्शन है वो हो सकता है। आज मन जो है आपका किसी बात को लेकर चिंतित या विचलित हो सकता है। साथ ही में नींद ना आने के कारण कुछ थकान सी महसूस हो सकती है। आपको अपने स्वभाव में कुछ लचीलापन लाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शंकालु स्वभाव की वजह से दिक्कतें आज हो सकती हैं। याद रखिएगा कि हर दिन जो है ये जैसा नहीं होता। अगर आज का दिन बुरा है तो कोई बात नहीं, कल अच्छा ही निकलेगा। इसलिए आपको धैर्य बनाकर हर कदम को उठाना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर कहता है कि व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति पूरा ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है।
और दूर दराज क्षेत्रों से इम्पॉर्टेंट ऑर्डर भी मिलने के योग बन रहे हैं, जिसे आप समय रहते पूरा कर भी लेंगे। लेकिन अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर ही कार्य कीजिए तो बेटर रहेगा। आपका उत्साह और रचनात्मकता आपको प्रगति करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। व्यवसायिक कार्य में मार्केटिंग से रिलेटेड सभी कार्य आपके सुचारू रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ ही सारी पेमेंट भी मिलती रहेगी, जिससे आर्थिक स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति का भी ऑफिस में वातावरण थोड़ा आज तनाव मुक्त देखने को मिल सकता है। वित्त की स्थिति अच्छी रहेगी। दोस्तों को पैसे उधार देने का बढ़िया समय नहीं है अभी, क्योंकि आप इसे वापस पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्योंकि दोस्त को पैसे दिए हैं तो थोड़ी अड़चने तो आएंगी ही आएंगी, इस बात पर आपको विशेष रूप से फोकस करना ही पड़ेगा। साथ में जो आज सोच रहे हैं कि आप इंटरनेशनल रूप में काम करना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो समय है आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है, लेकिन आज नहीं। आज थोड़ा जो समय है थोड़ा बुरा सा लग रहा है, ज़्यादा अभी मत कीजिएगा कुछ, आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात की हमने आज बिजनेस और करियर की, तो अभी हम बात करेंगे आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के संबंधों में खट्टी मिट्टी नोक झोंक संभव है, लेकिन समय रहते समाधान में निकल ही आएगा। और हाँ, दोबारा वातावरण भी आपका सामान्य हो जाएगा, रात तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे उन्हें उपहार दीजिए, ज़रा मक्खन मलाई लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने साथी को कुछ ऐसा उपहार दें जो उन्हें पसंद हो। वे इस रिश्ते को काम करने में आपके लिए आपके किए गए प्रयासों की सराहना भी करेंगे। अपने साथी के साथ पेंटिंग या बागवानी जैसे मज़ेदार गतिविधियां ज़रूर कीजिएगा। आपको एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में काफ़ी मदद भी मिल सकती है। साथ में आज जो है परिवार और व्यवसाय के बीच उचित समन्वय, यानी कि आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। परिवार में व्यवसाय के बीच उचित आपको बैलेंसिंग बनाकर रखनी होगी, जिससे कि परिवार में सुखमय माहौल बना रहेगा। इसी के साथ साथ जो लोग सिंगल्स हैं, आज आप जो है अपने साथी के साथ प्रेम भरी बातें कर सकते हैं, इससे जो है उनको भी अच्छा लगेगा और आपके दिल को भी बहुत बढ़िया लगेगा। हो सकता है आप दोनों आज घूमने कहीं जाएं, तो ज़रूर जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि आज हेल्थ तो ठीक रहेगी, लेकिन कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभर सकती है, जैसे कोई स्किन एलर्जी वगैरह। तो याद रखिएगी, दूध के साथ कोई नमकीन चीज़ मत खाइएगा, उसे स्किन एलर्जी वगैरह होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाहर के खाने से बचना होगा, आपको फूड पॉइजनिंग की आशंका भी हो सकती है। माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या से परेशान लोग हो सकते हैं आज। साथ ही में बदन दर्द भी होगा, थकान बनी रहेगी। उचित आराम लें और इलाज भी ज़रूर करवाइएगा। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे, शरीर को आराम देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेटर फील होगा और आप जो है स्वस्थ जल्दी हो पाएंगे, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको घर से निकलते वक्त है कोई सफ़ेद चीज़ उसमें मीठा डालकर खा कर निकलनी चाहिए। या तो दूध वगैरह पी सकते हैं, या फिर आप दही वगैरह खा सकते हैं चीनी मिलाकर, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हल्दी का जो तिलक है वो अगर आप अपने माथे पर लगा कर जाते हैं कई बार, तो आपको जो है हरदम बरकत बनी रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। तो इससे जो आपके हैं सारे काम बनते चलेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। जो आज का दिन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।